जय साथियों, आज हम बात करेंगे कि केवीएस के लिए कौन सी बुक बेहतर होगी। केवीएस परीक्षा पूरे भारत के अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं जो सीटेट पास है, और केवीएस में नौकरी पाना हर बीटीसी बीएड अभ्यर्थी का, डीएलएड अभ्यर्थी का एक सपना होता है। और उस सपने को साकार करने के लिए सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि कौन सी किताब पढ़ी जाए, कौन सी किताब केवीएस के लिए बेहतर होगी। जी हाँ, सबसे पहली बात तो हम एक लाइन में बताने की अगर बात करें तो एनसीईआरटी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे प्रमुख बुकों में से एक होती है। लेकिन आज हम पूरे सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर बताएंगे कि कौन से विषय के लिए कौन सी किताब आपको पढ़नी है और वो किताब आपको कहां पर मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो जान लीजिएगा कि आपको अगर केवीएस वास्तव में क्रैक करना है तो एनसीईआरटी के बाहर आपको नहीं जाना होगा। लेकिन एनसीईआरटी कहां मिलेगी? सारी एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी भी दो प्रकार की होती है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। अब आप इन सब दोनों में क्या है, दोनों में जो पाठ्यक्रम है, कंटेंट है, उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को कवर करने की। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है तो आप न्यू एनसीईआरटी की किताब पर ही फोकस करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के होंगे, उनके लिए भी एक समस्या है कि सर हम किस पर फोकस करें। जी हाँ, आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम पे, और जो इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम पर ही फोकस करें, क्योंकि मीडियम चेंज करने का प्रयास ना करें। क्योंकि हिंदी वाले इस बात को लेकर परेशान है कि मुझे इंग्लिश वाले कैसे बीट करना है, इंग्लिश वाले परेशान है हिंदी वाले को कैसे बीट करना है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने मीडियम पर फोकस करिएगा। वैसे हम पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अगर आप केवीएस के अभ्यर्थियों में सिलेक्शन के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और आप उन किताबों के नाम नोट करते चलेगा जो किताब आपको मैं क्रमवार रूप से बताते हुए चल रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि परीक्षा में पढ़ना आपको होता है, और पढ़ने के लिए अगर आपने सही किताबों का चयन कर लिया तो सिलेक्शन से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हम सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, केवीएस का जो पाठ्यक्रम है, हम सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। 180 नंबर की परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक मिलना है, 180 मिनट में होगा। अगर हम यहाँ पे सही तथ्यों को बात करें, अगर विषय बारे में बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी की बात करते हैं। जी हाँ, ये जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं उनके तो दिक्कत नहीं, जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी उनके थोड़ी सी दिक्कत होगी। आज हम ये जानेंगे और ये पढ़ेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें हिंदी कहां तक पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर और पैसेज और शिक्षण तीन चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, ग्रामर, पैसेज और शिक्षण। तो पैसेज आप सभी कर लेंगे, फिर बात करते हैं ग्रामर कौन सी किताब पढ़ें। ग्रामर के लिए एक आदित्य प्रकाशन की किताब आती है। जी हाँ, हिंदी की अगर मैं बात करूं, अगर हिंदी की मैं बुक की बात करूं, आपको दिखाई दे रहा मैंने हिंदी लिखा, हिंदी में आदित्यनाथ प्रकाशन की, आदित्य प्रकाशन व्हाइट कलर की बुक आती है, उसकी एमआरपी 150 से 200 रुपए के बीच होगी, व्हाइट कलर की आती है। हम ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो टेलीग्राम है, हम ई-लर्निंग विद दुर्गेश टीम से कह के उसकी हम बुक दिलवा देंगे, एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको सबसे प्रमुख रूप से ग्रामर मिल जाएगा। बात करते हैं उसके जो पैसेज कैसे तैयार करें, तो पैसेज के लिए सीटेट का, सीटेट के जो पैडागॉजी है उस पैडागॉजी को पूरा पढ़ लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब सीटेट और प्रीवियस ईयर आपने एक बार तैयार कर लिया तो आप केवीएस में एक लंबा स्कोर कर पाएंगे। हिंदी के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम है, क्योंकि हिंदी में उनके जो सवाल होते हैं ग्रामर पे भी होते हैं, लेकिन ग्रामर जो होता है वो एनसीईआरटी पर होता है। एनसीईआरटी बुक आपको मार्केट में भी नहीं मिल पाएगी, इसके लिए कोशिश ये करिएगा आदित्यनाथ की बुक, आदित्य प्रकाशन की होगी, व्हाइट कलर की, मेरे पास अभी दिख रही है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप पढ़ लेंगे। हिंदी में आप 30 में यकीनन मानिए 28 स्कोर आराम से कर लेंगे, पैसेज, शिक्षण और ग्रामर। बहुत सारी किताबों भटकना नहीं है आपको, भागना नहीं है। अगर आपको किसी ऐसे जगह से होंगे जहां पे आपको इसी किताब नहीं मिलेगी तो लूसेंट की हिंदी ग्रामर आप पढ़ लीजिएगा, किसकी, लूसेंट की, वो आपकी इस परीक्षा के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। आगे बात करते हैं, ये 30 अंकों का होगा, क्योंकि हिंदी जो है 30 अंक का है, अलग अलग आपको मिलेगा। सामान्य हिंदी की बात करें, अब हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की, इंग्लिश में भी क्या है, इसमें
जो रेडी कंफर्मेशन है आपका, वर्ड पावर है, ग्रामर है, यूजेज है। तो इसके लिए आपको ग्रामर को फोकस करना होगा, पेडागॉजी फोकस करना होगा और पैसेज। तो पेडागॉजी और पैसेज के लिए आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर पीआरटी जूनियर भी अगर कर पाते समय तो जूनियर का भी कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा एक दिन में कम से कम 200 सवाल को पढ़ना, मतलब 200 सवाल को हल करिएगा। उसके लिए आप यूथ कंपटीशन की एक ही बुक ले लेंगे, सीटेट प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, तो आपको सभी में काम करेगा, सभी सेक्शन में। आप घटना चेकअप भी ले सकते हैं, दोनों किताबें अच्छी हैं, ये आपको मिल जाएगा। उसके साथ इंग्लिश की बुक की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक्सीलेंट की बुक आती है हिंदी मीडियम के 11 12 की किताबों के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं, काफी मोटी पड़ेगी। अगर पतला में पढ़ना चाहते हैं तो लूसन की एक बुक आती है इंग्लिश ग्रामर, लूसन की इंग्लिश ग्रामर आती है, उसे आप देख सकते हैं। वो भी इस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी हद तक आपके काम की, मोटी किताब होती है, बड़ी किताब होती है लूसन की, वो आपको पूरा उसमें वर्ड पावर भी मिल जाएगा, ग्रामर भी मिल जाएगा, पार्ट से स्पीच भी मिल जाएंगे। क्योंकि केवीएस की सबसे बड़ी खासियत है वो दो चीज को कभी नहीं लांघता, वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, दूसरी वो सिलेबस के बाहर सवाल नहीं आते। सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया तो केवीएस में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। इन दोनों को मिलाकर आगे हम देखेंगे 60 नंबर आपके हैं, कितने अंक है 60 नंबर। मैं एक बार आपको फिर से सिलेबस दिखा दूं, यहाँ पे देखिएगा, सामान्य अंक में देखें तो 20 अंक यहाँ पे होती है, 10 अंक आगे, तो 30 अंक माने 20 और 10, भाषाओं की बात करें तो 30-30 अंक की, माने 60 नंबर जो आपके है वो आपको अस्थाई है, और वो अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर देंगे तो उसमें अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे हिंदी अंग्रेजी के लिए किताबों के नाम लिख लीजिएगा, और अगर आपको ये सब किताबें नहीं मिलेंगी तो आपको मैं फिर से बताऊंगा कि आप सभी साथी ई-लर्निंग दुर्गेस का नोट्स भी मंगा सकते हैं घर बैठे, और एनसीईआरटी की भी नोट्स मैं आपको बताऊंगा कहां मिलेगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपने, तो आगे आपके सामने आने वाला है सामान्य जागरूकता, करंट अवेयरनेस। करंट और विविध के लिए मैं बात करूं, करंट और विविध आप कहां से पढ़ेंगे, तो करंट के लिए स्पीडी किताब इसके लिए बेस्ट है, करंट के लिए स्पीडी बेस्ट है। अगर आपने करंट के लिए स्पीडी को पढ़ लिया है इसका मतलब उसके बाहर इसमें सवाल नहीं आएंगे, और बहुत मोटी किताबों चक्कर मत पड़े, कुछ लोग इसमें 10 नंबर का है, इसमें विविध का भी सेक्शन जुड़ा हुआ है, तो विविध के लिए मैं कहूंगा लेने में दुर्गेश नोट्स पढ़ लीजिए। इसमें देखिए, इसमें भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण दिन, किताबें, लोक लेखन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार, सम्मान, बजट, पंचवर्षीय योजना, सामान्य राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्तमान मामले में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार और खोज खेल, भारत की राजधानी मुद्रा, मतलब ये पूरा जीके है आपका, ये पूरा क्या है, विविध है, ये पूरा विविध है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए विविध और ईवीएस मिलाकर ये 40 अंक का है, ये भी अपने आप में काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण। करंट के सवाल 2 से 3 आएंगे केवल, करंट के जो सवाल है आपके इस पूरे सिलेबस पूरे पाठ्यक्रम में 180 नंबर के 2 से 3 सवाल ही आएंगे, बाकी आपके विविध जीएस और जीके के सवाल आएंगे जो आपके परीक्षा में काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप लोग चाहें तो इसके लिए, अगर मैं किताब की बात करूं, इसके लिए भी आपको अरिहंत की जीएस जीके की पतली सी किताब आती है, बहुत पतली सी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आती है जीएस की आती है पतली सी आती है, या अगर वो आपके पास नहीं है तो जीएस जीके का एक और छोटी सी बुक आती है जो मैं आपको बता दूं, अगर वो अगर आपको मिल जाए इसके लिए वो भी बेस्ट है। आती है लूसन की पतली बुक आती है, छोटी सी आती है, वो मिल जाए उसमें भी चीजें मिल जाएगी, नहीं तो ई-लर्निंग दुर्गेस का नोट्स है इस टॉपिक का, विविध का, अगर आपने सुपरटेट की नोट्स लोगे तो वो आपको पूरा मिल जाएगा, प्रॉपर ही पूरा जीएस जीके ही है। उसके अलावा हम बात करें तर्क क्षमता, ये 5 नंबर के हैं, इसके कुछ रटे रटाए टॉपिक हैं, संबंध की बात करें इसमें रक्त संबंध जैसे टॉपिक आ जाते हैं, फिर है अवलोकन है, कोरी निगोडी अनिवार्य है, अंगणित संख्या श्रृंखला सीरीज है, सादृश्य है, श्रृंखला तार्किक समांतर है, मौखिक तर्क श्रृंखला है, इसमें कुछ चीजें घड़ी आपको पढ़ लेनी है, कैलेंडर आपको पढ़ लेना, दिया नहीं है सवाल आ सकते हैं, ठीक है, श्रृंखला परीक्षण हो गया, वर्गीकृत क्लासिफिकेशन भी इसमें आ जाएगा, मतलब मिला जुला के अगर हम तर्क क्षमता की बात करें, आप इसके लिए एक अरिहंत की बुक आती है आरके झा की, व्हाइट कलर की होती है, 100-110 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगी, आरके झा की किताब आती है, वो पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर आपके, ये ऐसे 5 नंबर है जो प्रैक्टिस से ही आप ला सकते हैं, जरूरी इसके लिए पूरी कोई किताब पढ़ा जाए, आप इसकी प्रैक्टिस करके भी आप इसमें पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं।
इसके लिए भी आप यहां जोड़कर तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते कंप्यूटर, कंप्यूटर की अगर बात करें तो जो कंप्यूटर के सिलेबस है वो यहां पर 5 अंक है। तो ये 5 नंबर के लिए बेसिक कंप्यूटर पीपीटी कैसे बनाना, वर्ड दस्तावेज क्या है, स्वरूपण, कंप्यूटर के इतिहास, प्रिंट और इंटरनेट, ये पूरी किताब कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट किताब ले लीजिएगा। अगर नोट्स कहीं मिल जाती है कुछ पेज में तो ठीक है, नहीं मिल पाते अगर आपने सुपरटेट के नोट्स लेने की दुर्गेश के लिए होंगे वो, या आप मार्केट में कोई पतली सी बुक आएगी वो आप पढ़ेंगे टॉपिक होगी, इसके लिए भी लूसेंट की जो किताब है वो बेस्ट है। इसके लिए भी लूसेंट किताब पतली सादी 40 रुपए की 50 रुपए की आती है कंप्यूटर की, वो आप इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। या ट्रिपल सी की किताब अगर आपके पास कोई हो तो उसमें से केवल बेसिक कंप्यूटर, पीपीटी, वर्ड दस्तावेज, वर्ड फाइल, स्वरूपण, कंप्यूटर इतिहास, इंटरनेट, इन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए। जो ट्रिपल सी के अगर आपके पास कोई किताब मिल जाए तो खरीदना नहीं पड़े, अगर आपके पास मिल जाएगी तो बेस्ट है। वरना जो साइंस होती है एनसीईआरटी की उसके लास्ट में 6, 7, 8 देखेंगे साइंस, उसमें आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आपको भटकना नहीं है, उस एनसीईआरटी को खोलिएगा, आपके कॉन्सेप्ट पूरा जो सिलेबस है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे शिक्षार्थियों को समझना। अब हम जिस सेक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं यह है सीडीपी का, यह है सीडीपी का। तो सीडीपी का जो पूरा सेक्शन है, केवल सीडीपी की बात करें, सीडीपी जो पूरा 60 नंबर का हम कहां से पढ़े, कहां से तैयार करें, सर आपके भी मन में आता होगा कि हम पूरी जो सीडीपी है वो कहां से पढ़े, कहां से तैयार करें ताकि हमें 60 के 60 अंक मिल जाए। अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग पैटर्न में मिल रहा है, इसके लिए एकदम मतलब फैक्ट चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आगे आपके पक्ष में तो आपको नौकरी से कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर हम केवीएस सीडीपी की बात करें, अगर हम केवीएस सीडीपी की बात करें तो इसमें 60 अंक है। इस 60 नंबर में अगर हम किताब की बात करें 60 अंक के हैं, अंक की बात करें चाहे 60 प्रश्न की बात करें या 60 प्रश्न है इसमें, इसमें बाल मनोविज्ञान की बात करें तो कक्षा 11 और 12 की इसकी इंसेंटिव बुक आती है। इलेवन और ट्वेल्थ माने 11 और 12 की इसकी एनसीईआरटी की बुक आती है, शायद आपको दिख रहा होगा, इलेवन और ट्वेल्थ की 11 और 12 की एनसीईआरटी की बुक आती है, वो अगर आपने पढ़ लिया तो आधा सिलेबस आपने कवर कर लिया। उसके अलावा सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर, जूनियर प्राइमरी सीडीपी का सेक्शन पूरा कर लीजिएगा, दोनों फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों। उसके अलावा डी एच एस बी एनआईडीएलएड जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक, एनआईडीएलएड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग यहां पे ध्यान से देख लेंगे कि एनआईडीएलएड में आपको जो मिलेगा 60 नंबर है, मतलब इससे 60 नंबर तैयारी कर सकते हैं। ये आपको ये दोनों है, यहां पर प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें एकदम साफ मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं एकदम जो गिने चुने, उसको भी हम एक वीडियो में सेपरेट बना के दे देंगे कि वहां से कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। अगर आप मार्केट से कोई किताब लेना चाहते हैं कि सर इसके लिए हमें मार्केट से किताब खरीदनी है तो सिखवाल प्रकाशन की आई है, यह राजस्थान की है, कहां की है, यह राजस्थान की है, जिसके कुछ टॉपिक को कवर करती है, जो क्या करती है, इसके कुछ टॉपिक को कवर करती है सिखवाल प्रकाशन की, किसकी है, ये सिखवाल प्रकाशन की है। आप इसे पूरा एक बार देख लें, समझ लें, ये सीडीपी के 60 अंक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेटर्स पर फोकस करिए, और अगर आपको इसमें शिक्षण की बहुत बड़ी योगदान है, शिक्षण भी आपको पढ़ना, शिक्षण सूत्र, इसके शिक्षण में अगर हम बात करें तो जो जीवन कौशल की सीरीज है, जीवन कौशल हो गया, कुछ टॉपिक है इसमें से शिक्षण कौशल हो गया, ये हिडन टॉपिक है जो आपका, ठीक है, शिक्षण में हो गया, जीवन कौशल हो गया, शिक्षण कौशल हो गया,
उसके बाद जैसे नेफ हो गया, नेफ 2020, एनसीएफ 2005, आरटी 2009, समावेशी शिक्षा, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये भी आप इसको रख लें, इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे पूछेगा, हम आपको जवाब देंगे, या आप इलर्निंग विद दुर्गेश का इंस्टाग्राम है उस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन सबकी भी नोट्स मिल जाएगी। उसके अलावा इलर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एनसीईआरटी मस्ट है, और नोट्स में एनसीईआरटी पैटर्न भी मिल जाएंगे। पढ़ना आप किसी नोट्स किसी किताब से होना सिलेक्शन, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसके बाद अगर आप बात करें कि यह अगर आपने तैयार के लिए शिक्षण कौशल हो गया, जीवन कौशल हो गया, सभी विषयों का शिक्षण है, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाल केंद्रित क्या होती है, और इसके राज्य से कोठारी आयोग हो गया, और इसकी जो पुरानी शिक्षा नीति है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प क्या था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, वो भी इस सेक्शन का, इस सीरीज का हिस्सा, वो हिडन सिलेबस है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें इतना ही पढ़ना है, केवीएस बाहर नहीं जाता, लेकिन कुछ सिलेबस मोटे मोटे अक्षर में होते हैं, कुछ उसके जैसे थीम होता, उप थीम होता है, उसी तरह से ये भी है। लेकिन 60 नंबर आपके लिए है, काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण। दूसरा अगर हम देखें इसमें क्या, देखिए विकास, देखिए विकास परिपक्वता, इसकी एक और वीडियो बनाएंगे सेपरेट 60 नंबर की, ठीक है, तब हम आपको हम समझा देंगे। अब टीचिंग लर्निंग को समझना, सीखने की प्रवृत्ति क्या है, तो ये सब उसमें, ये सारी चीज आपको आपको 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसमें आराम से मिल जाएगी, ठीक है आप लोग को। तो हम लोगों ने देखा जो पूरे सिलेबस इसके सामने है, ये एक अलग इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे केवीएस के सीडीपी में 60 नंबर की तैयारी के लिए, कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह से, तो वो भी आपको पूरा पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होगा। अधिगम है, सीखने का अनुकूल माहौल बनाना, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। स्कूल संगठन, उसका नेतृत्व कैसे है, सारी चीजें हम लोग कर देंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए इलर्निंग विद दुर्गेश का केवीएस का नोट्स, अगर आप चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। हाँ ये एनसीईआरटी सभी नोट्स एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर है, एनसीईआरटी की किताबों का निचोड़, स्पेशल की पॉइंट है, सिलेक्टेड नोट्स है, घर बैठे तो आपका नंबर यहाँ पे दिया है, नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो शिक्षा परिपक्वता देखिए आपने सब दिया, इस सबके टॉपिक आप प्रीवियस पेपर में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब आते हैं जो अंग्रेजी का सेक्शन था, वो यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा, हिंदी वही मैंने बताया 30 नंबर के हैं। गणित की बात करें, ये गणित जो है ना, देखिए लोग डर जाते हैं सर गणित कहाँ से तैयार करो, ये 20 नंबर की आती है फिर भी परेशान करके रखती है। तो इसमें गणित में भी देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सिलेबस साफ तो है, लेकिन फिर भी लगता है कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से हमें पढ़नी है, तो उसको भी हमें फोकस करना, उसको भी हमें ध्यान रखना होगा, समझना होगा और जानना होगा। अब इसमें गणित में इसके लिए लूसेंट ही गणित आती है, गणित आती है, देखिए मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ, ये काफी अच्छी बुक है, ये बुक एनसीईआरटी की बुक आती है, 100 रुपए की आती है, लूसेंट की है ये। अगर ये मिल जाए उसके अलावा तो अगर आपके पास समय हो तो जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की मैथ 6 to 8 एक बार जरूर पढ़िएगा, 6 to 8 6 से 8 तक की मैथ की। ये कहां मिलेगा, एनसीईआरटी सभी किताबें, देखिए एक ओल्ड एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी होती है, ये दोनों किताबें पूरे भारत में अगर किसी भी भर्ती बच्चे तैयारी करो उसे जरूर पढ़िएगा, 6 से 12 तक की। यह दोनों की नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, क्लास के हिसाब से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास की कंप्लीट हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों मीडियम के नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, आप वहां पे जाकर सभी कक्षाओं के नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो आज ही आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से 6 से 12 तक के सभी विषयों के एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ सकते हैं। तो यह आपको मिल जाएगा 6 से 8, तो वहां पर आप डाउनलोड करके 6, 7, 8 की मैथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां का जो मैथ है, जो कॉन्सेप्ट सवाल आते हैं, कूट वाले सवाल आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया, यकीन मानिए आपने आधी लड़ाई तय कर ली, आधी लड़ाई आप जीत गए। इसमें भी है आकार और स्थानिक समझ, इसकी जो टॉपिक है ये आपको जो सीटेट का प्रीवियस पेपर हुआ है, सीटेट प्राइमरी, जो सीटेट का प्राइमरी का पेपर है उसकी जो मैथ है वो हल कर लेंगे, कोशिश करेंगे उसके शिक्षण को भी हल कर लेंगे। 29 नंबर आपके 20 नंबर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, तो इसके लिए भी तैयारी आपको बेहतर ढंग से कर लेनी है, यहां से भी आपके पूरे अंक आते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के लिए सीटेट के जूनियर, सीटेट का जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का जो एसएसटी का सेक्शन है वो आपके 10 नंबर जो जीएससी के विविध का सिलेबस है, और 20 नंबर का ही आपका है
जो EBS उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, 6 से लेकर 8 तक का, मतलब 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इसकी जियो पढ़नी है, मानी ज्योग्राफी, इसकी पॉलिटिक पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पॉलिटी है, इसकी देखिए नाम इसमें सिविक्स नाम से पढ़ते हैं हम लोग, यहां पे सिविक्स कहते हैं उसे, सिविक्स हो गई आपकी, जी हो गई, सिविक्स हो गई, उसके बाद हिस्ट्री हो गई, ये आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की, जो एसएसटी के 6, 7, 8 किताबों में थी। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप यहां पर परिवार, दोस्त और जो पर्यावरण के थीम है, मैंने पर्यावरण शिक्षण को भी पढ़ना, तब जाके आपके पूरे जो मार्क्स है वो आपके कवर हो पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, चीज हम कैसे बनाते हैं, तो जो पर्यावरण की थीम है एनसीईआरटी की, वो एक बार आपको पढ़ लेना है और कोशिश करना है कि आप 3 से लेकर 8 तक के ईवीएस, माने 6 से 8 तक के एसएसटी और 3, 4, 5 के आसपास जो एनसीईआरटी की आती है, अगर उसको कवर कर लिया तो इसके बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। अंत में एक बात ये जानिएगा, विज्ञान को छोड़ दिया जाए तो 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी का आप लोग बार पढ़ लीजिएगा, आपके पास समय हो, एक दिन में कोशिश करिए, एक कक्षा, 6 का भूगोल आज खत्म, 7 का भूगोल आज खत्म, इस तरह से अगर टारगेट करके पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि हम पूरे सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे समय से रहते। प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के, प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर बात करें तो डीएसएसबी के, हल कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को ज्यादा ज्यादा समय दीजिएगा, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करिएगा, थियरी पर ही फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा थियरी पर भागिएगा मत। कभी कभी क्या होता है कि हम ये कोशिश करते हैं थियरी भाग जाए, तो थियरी पढ़ने से बढ़िया ज्यादा ज्यादा नोट को फोकस करेंगे, जितना ज्यादा नोट से फोकस करेंगे थियरी मतलब इसके एनसीईआरटी फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा इन सभी सेक्शन पे। कुछ लोग हैं बहुत भाग भाग के पढ़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के पढ़ रहे हैं, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, आपके परीक्षा में प्रश्न आने बहुत बड़ी बात होते हैं कि वहां से प्रश्न तो आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना आपको है, कोई जादू की टॉनिक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दे और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या किसी के पढ़ाने से सिलेक्शन हो पाएगा? ना, लेकिन आपके पढ़ने से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो कोशिश करिएगा सबसे पहले इसकी नोट्स, इसकी बुक आप खरीद के शुरू कर दीजिए पढ़ना। और एक ही जगह मैंने आपको बताया कि 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आपको ई-लर्निंग दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी, जो प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके हिंदी अंग्रेजी मीडियम में, कुछ हिंदी मीडियम होंगे कुछ इंग्लिश मीडियम होंगे, दोनों पढ़ सकते हैं। दूसरी, घर बैठ कर आप नोट्स चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी प्रश्न आपका होगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेहतर देंगे, सिलेक्शन के डे बाय डे करीब जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। उसके साथ केवीएस के इंटरव्यू और टीचिंग स्किल के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश की फ्री क्लासेज आपके लिए चलते हैं, जहां पे मैं खुद पढ़ा रहा हूं, और आप भी चाहें तो आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ, खुद भी अपना मॉक इंटरव्यू ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर दे सकते हैं। उसके लिए एक नंबर है, आप चाहे लिख लीजिए आपके काम आ जाएगा, आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर केवीएस इंटरव्यू लिखकर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप आपको एक लिंक देंगे, आप उसके लिए DAF फॉर्म होता है जो आपके इंटरव्यू लेने से पहले जिस पूरी फॉर्म प्रक्रिया पर जो आपसे भरवाई जाती है, जिस पर ही आपका इंटरव्यू होता है, वो फॉर्म यहाँ पर आपका खुल जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू का डेमो जो है वो घर बैठकर लाइव दे सकते हैं। सबसे बड़ी फायदा यह है कि आप ऐसे क्षेत्र गांव से जुड़े होंगे जहां से शहर बहुत दूर होगा, और आप लोग को यह नहीं महसूस होगा हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कैसे हमें उस पर विजिट करना है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। उसके लिए हम आपके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं आपके साथ। अगर आप चाहते हैं आपका भी डेमो इंटरव्यू लेने में दुर्गेश को, तो देर मत करिएगा, खुद अपना नाम, अपने जिले का नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मेरी निशुल्क क्लासेस जब भी मुझे समय मिलता है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में आकर आपके तथ्यों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मेरी क्लासेस, मेरी कक्षा हमेशा निशुल्क रहती, आगे भी रहेंगी, ताकि आप अपने लक्ष्यों को पा सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर नहीं कर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पेज पर नोट्स जो होंगे फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, जब भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी आपको सभी प्रैक्टिस सेट वहां पर उपलब्ध हो जाएगी, सभी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, उसकी लिंक भी मिलती रहेगी। और उसके अलावा आपको जो भविष्य की कामना करते हैं, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करिएगा, खुद से पढ़िएगा, समय नहीं किसी लेक्चर को पढ़ने से,
के साथ साथ आप ये कोशिश करेगा कि उसके नोट्स को कवर करने का प्रयास करेगा। तो जो लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे जुड़े थे वो पूरे नोट्स को डाउनलोड कर ले और सबसे पहले नोट्स को कवर करने का प्रयास करें। भाई क्लासेस चल ही रहे हैं, आगे भी चलती रहे, कोशिश किया और भी क्लासेस आपके लिए यथाशीघ्र दी जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। बाय बाय।